नमस्कार, प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं अग्रिमा जादौन। और जैसे कि आप जानते हैं कि इस समय कोरोना का कहर हर तरफ छाया हुआ है, ऐसे में कई लोग हैं जो बाकियों की मदद कर रहे हैं, जैसे गरीब लोगों की और जिनके पास मास्क सैनिटाइजर वगैरह नहीं है। ऐसे में वह भी मदद के लिए आगे आ रहे हैं। उप जिलाधिकारी कार्यालय में बटे मास्क, चश्मा और फेस सीट कवर। वहीं युवाओं ने संदेश दिया कि आम लोगों के साथ अधिकारियों का भी इस दौरान ख्याल रखा जाना जरूरी है। इस दौरान उप जिलाधिकारी राजीव पांडे, तहसीलदार राजेश कुमार, नायब तहसीलदार लक्ष्मीकांत वाजपेयी सहित समाज सेवी सुमति तिवारी, आकाश दुबे और तहसील कर्मचारी मौजूद रहे। प्राइम न्यूज 24 के लिए ब्यूरो की रिपोर्ट। कोरोना काल में जिस तरीके से युवाओं ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की है, उसका एक नजारा जनपद एटा के अलीगंज तहसील में देखने को मिला। हमारे साथ वो दोनों युवा मौजूद हैं जिन्होंने आज उप जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचकर फेस शील्ड, मास्क और जो है सैनिटाइजर, काफी चीजें वितरित की। हमारे साथ वो युवा हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। कोरोना काल चल रहा है, आपने आज जो है जिलाधिकारी के माध्यम से चीजों को वितरित किया है, मास्क थे, सैनिटाइजर थे, उसमें चश्मा भी था, क्या क्या मैसेज देना चाहते हैं लोगों को? महोदय, मैं जनता को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि सुरक्षा ही इस कोविड-19 से बचाव का एकमात्र उपाय है, और हम लोग मास्क, सैनिटाइजर और ग्लव्स वगैरह इन चीजों का यूज करते रहें तो बेटर रहेगा, और हमारे लिए और हमारे फैमिली के लिए। जैसे जैसे जनपद एटा में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे युवा ही नहीं, अधिकारी ही नहीं, छोटे छोटे बच्चे भी सामने आ रहे हैं। मेरे साथ इसी कड़ी में एक युवा और मौजूद है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आज आपने जो है फेस शील्ड, मास्क, जो है हैंड ग्लिप्स बांटे हैं, क्या लोगों को मैसेज क्या देना चाहते हैं? देना चाहेंगे कि जैसे अधिकारी हमारे पब्लिक के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, तो हमारे पदाधिकारियों का भी सुरक्षित रहना बहुत जरूरी है। इसलिए हमने माननीय SDM साहब को, माननीय तहसीलदार साहब को आज मास्क और ग्लव्स सैनिटाइजर वितरित किए हैं, जिससे कि वो भी कोविड-19 में सुरक्षित रहे। अलीगंज से कैमरामैन आकाश के साथ रिपोर्ट, विकास।